एक्सरसाइज को डिस्कस हुई है क्या अच्छी और माँ 15 तक 16 17 17 18 19 20 सोचो 20 में कोई बुराई 21 वो टॉपलिंग वाले दो सवाल छोड़ाए होंगे मैंने 21 भाई छोड़ दो 23 सोच लो 24 काम कराए 24 25 26 सोच लो आई वन ओमेगा वन बराबर नहीं आया क्या चीज कंजर्व्ड है एंगुलर मोमेंटम क्या कंजर्व्ड है 26 हो गया 27 27 अरे आवाज नहीं 27 28 28 आउट है व्हील ऑफ मास 10 केजी एंड रेडियस 20 सेंटीमीटर रोटरी एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ इतना व्हेन द मोटर इज टर्नड ऑफ नेगेटिव द फ्रिक्शन एट द एक्सल कैलकुलेट द फोर्स दैट मस्ट बी अप्लाइड टेंजेंशियल टू द व्हील टू ब्रिंग इट टू रेस्ट इन 10 रिवॉल्यूशंस में क्या हुआ भाई अपन कितना फोर्स टेंजेंशियल लगाएं कि 10 रिवॉल्यूशन मतलब कितना अल्फा लाएं मतलब कितना व्हील दिया मास 10 केजी एंड रेडियस 20 सेंटीमीटर रोटेटिंग एन व्हील लेंगे तो रिंग लेंगे डिस्क लेंगे आंसर किससे आ रहा है स्पोक्स मान लिए गए इन्होंने डेस्क मान लो चलो आंसर जिससे आ रहा है मान लो हालांकि थोड़ा कंफ्यूजन रहता है क्योंकि व्हील में स्पोक्स वाले में कई बार क्या मान लेते हैं रिंग स्पोक्स को मासलेस मान लेते हैं स्पोक्स को कैसे मान लेते हैं क्योंकि जैसे अपन साइकिल का टायर माने ना तो उसमें स्पोक्स होते हैं क्या होते हैं स्पोक्स है ना खैर तो कहां पहुंचे हाँ सिलेंडर हाँ अब व्हील ऑफ मास रेडियस है तो कितना फोर्स लगाएं सिंपली 10 रिवॉल्यूशन में रोकना है यानी कि 20 पाई में रोकना है कितने में रोकना है और ओमेगा आपको दी हुई है तो फॉर्मूला लगा दो ये वाला ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा थीटा के लिए लिख दो 25 ओमेगा फाइनल 0 हो गया ओमेगा फाइनल क्या ओमेगा इनिशियल गिवन है ओमेगा इनिशियल क्या दिया हुआ है 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट मतलब ओमेगा इनिशियल हो गया 2 पाई n 2 पाई इंटू 100 बाई 60 यार मुझे लगा ही तुम्हें आया एक सिक्स ने इसको मार दिया तो आंसर अपना कितना 2 ने 3 को मार दिया तो आंसर आया 10 पाई बाई 3 कितना आया क्या यहां से अल्फा निकल आया अल्फा निकल आया तो टॉर्क क्या होता है आई अल्फा क्या होता है आई अल्फा पहले तो क्या आई अल्फा से टॉर्क निकल आया उसने पूछा फोर्स क्या चीज अब सोचो अगर ये ओमेगा से ऐसे घूम रहा है और अपने टेंजेंशियली कितना फोर्स लगाए तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा तो टॉर्क होगा एफ इंटू आर क्या होगा यार मुझे लगा तुम्हें आया क्या होगा एफ इंटू अल्फा यहां से लाएंगे आई अपना डिस्क का लिखेंगे एम आर स्क्वायर बाई 2 क्या लिखेंगे और टेंजेंशियली कितना फोर्स लगाए कि रुक जाए तो एफ इंटू आर कितना मुझे लगा तुम्हें आया आया नहीं आया बहुत बढ़िया सर कहां पहुंचे 28, 29, 30, 31, 31, अरे क्या बात कर रहे हो अरे 31, अरे 32, अरे 32, अरे सोच लो अरे 32 में कोई दिक्कत अरे 33, 34, अरे सोच लो अरे 34 में कोई बुराई अरे सोच लो अरे 35 सपोज द स्मॉलर पुली यार वही ये बेसिकली स्मॉलर पुली में भी अगर आ जाएगा तो पहले सिर्फ टीम आना होगा बाद में टी वन और टी टू तो एक और इक्वेशन उसमें टी वन इंटू आर माइनस टी टू इंटू आर जिसे 35 नहीं होने बता रहा हूँ अगर छोटी पुली पे भी अपन वो ले लेंगे तो आपने पहले इससे पहले वाले सवाल में टेंशन सिमिलर माना था अब टेंशन सिमिलर ब्लॉक से लेकर छोटी पुली तक टी वन और छोटी पुली से बड़ी पुली तक लेकर टी टू और क्या छोटी पुली पे फिर से इक्वेशन लगाएंगे टी वन इंटू आर माइनस टी टू इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा वेयर अल्फा इक्वल टू ए बाई आर तुम्हें दूर दूर तक समझ भाई साहब इसमें ला रहा हूँ उसका इसमें थर्टी फाइव और बोलो कि क्लियर है अल्फा इक्वल टू ए बाई आर दोनों का अल्फा अलग अलग है बेटा हाँ स्ट्रिंग का क्या सेम रहेगा ए तो दोनों दोनों गलत साइड आउट पूछा उसने दोनों का दोनों पुली का क्या सेम है ए टेंजेंशियल सेम है मतलब दोनों का अल्फा नहीं आया अल्फा इक्वल टू 80 बाई आर अल्फा इक्वल टू 80 बाई आर मुझे उसके बाद इज्मू रह गया सही में ये कोड वर्ड में गालियां होती
हाँ जो 35, हाँ अब यस सर कई लोग बोल रहे हैं यस साला, 35, 36, 37, 38, फीलिंग आ रही ना वो वाली, रिलीज हो रहा है स्ट्रेस, बोलते रह रहे, बोलते रह रहे, यस सर, बेटा फालतू यस सर भी नहीं बोलते ना, अगर मान लो रोड पे गाली बकते जा रहे तो क्या कहते हैं उसको, जैसे नहीं पागल कहते हैं, है ना बेटा, और बोला रोड पे चिल्लाते चिल्लाते यस सर यस सर यस सर, हाँ वैसी वाली फीलिंग आई तेरे बिल्कुल, तो सर 37 में छोड़ने के लिए बोला था, 38, 38, 38, 39, 39, 40, 40, 40, सोच लो, 41, 41, 41, 42, 42, 43, 43, 42 हो गया, कोई दिक्कत, डर तो नहीं लगा, 43, 43, 44, अरे बनराज को बोलना कि मैं बताना भूल गया, मैंने वी डबल स्टार ऑफ कर दिया है आज सब पूरा, तो जो कृषि टीचर ड्यूटी लग रही है तो बना कर दे, फिर तुम्हारा कहेंगे हाँ तो उल्टा करा तुम्हारा, नहीं तो पहले 42, 43, 44 पूछ रहे हो क्या, 44 पूछ रहे हो क्या, पढ़े, द डोर ऑफ एन अलमीरा, द डोर ऑफ एन अलमीरा इज 6 feet हाई, 1.5 feet वाइड, 1.5 feet वाइड, सिक्स फिट हाइट, 1.5 feet वाइड एंड द वेज, एंड वेज 8 kg, द डोर इज सपोर्टेड बाय टू हिंजेस सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 feet फ्रॉम द एंड्स, इफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फोर्सेस एक्टेड बाय द हिंजेस ऑन द डोर आर इक्वल फाइंड द मैग्नीट्यूड, अरे पहली क्लास में इनकी क्विज हुई थी, अर्जुन सर की क्लास थी, फिर किसकी, पक्का अच्छा तुम लोगों को पढ़ाई करनी होगी ना आज तो, तुम्हारा कल एडवांस है ना, क्योंकि 100 में से 100 नहीं तो सर क्लास लेते तो तुम्हारे 90% ही रह जाते हैं ना, 10% का गैप आ जाता है ना, 90% या ना, वी आर ओके विद इट, वी आर नॉट ओके विद इट, ओके 10% मैं खोदू, अब 10% टोटल आ रहे तुम्हारे, हाँ जब वो भी नहीं आएंगे सर हमारा कुछ नहीं जाएगा सर, डिप्रेशन में आप आओगे नंबर देख के फिर मत बोलना कि सर आधा घंटा भजन और सुनाओगे पढ़ते नहीं हो, चला जब पढ़ने के लिए छुट्टी मांग रहे तो आप दे नहीं रहे हो, अरे तुम्हें आज छोड़ना वैसे भी खतरनाक है, रावण जलाया जाएगा आपके लिए, बाहर मत निकलना, अच्छा मैं लेट हो गया था तो तुम लोग डर गए थे कि सर को जला नहीं दिया है ना, मेरी चिंता कर रहे थे ना तुम लोग, अरे यार ऐसे बच्चे तुम लोग कभी नहीं मिलेंगे, तो 8 kilo का अपना अलमीरा का पल्ला है, पल्ला मतलब डोर 6 feet high, 1.5 feet wide and the door is supported by two hinges situated at a distance of 1 feet from the ends. 1 feet from the ends, यहाँ से ऐसे 1 feet, इधर से भी 1 feet. बोलो क्लियर है? उसने बोला कि if the magnitude of the force exerted by the hinges on the door are equal, then find the magnitude. आप एक बार समझो, नीचे क्या लग रहा है? Mg, यानी कि 80. कितना? 80. 80 लग रहा है, 8 किलो का है ना? 80. अब ध्यान देखो तो जो हिंजेज उनमें नॉर्मल रिएक्शन जो लगेंगे वो अगर बहुत ध्यान से सोचा जाए तो नॉर्मल रिएक्शन जो लगेंगे वो बराबर है मैग्नीट्यूड में, पर उनकी डायरेक्शन दो है वो मुझे पता नहीं है, तो मैं इसे मान लेता हूं N1, N2, N3, N4. हाँ मुझे ये पता है कि अंडर रूट ऑफ N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर इक्वल्स अंडर रूट ऑफ N3 स्क्वायर प्लस मुझे लगा है तो मैं आया, क्योंकि उसने बोला कि मैग्नीट्यूड बराबर है, उसने बोला कि मैग्नीट्यूड, अब पहले आप एक बात ध्यान सोचो, हॉरिजॉन्टल में सोच, N2 इधर है तो N4 इधर होगा, या फिर N4 2 इधर होगा तो N4 इधर होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में N4 0 होना चाहिए,
अगर आप ध्यान रखो तो एन वन प्लस एन थ्री इक्वल टू 80। अरे बैलेंसिंग के लिए एन वन प्लस एन थ्री इक्वल टू क्या होना चाहिए? यानी तो क्लियर है ना यार, एन वन प्लस एन थ्री किसी बराबर होना चाहिए? 80। बोलो क्लियर है? और एन टू बराबर एन टू प्लस एन फोर इक्वल टू 0। यार आवाज नहीं है यार, अगर ध्यान से देखो तो n2 plus n4 equals to 0, मतलब क्या n2 equals to n4 minus times, minus का मतलब या तो दो ऐसे हैं दोनों, मतलब n2 इधर है और n4 इधर है, या फिर n2 इधर है और कोई भी अपने को पता पड़ जाएगा, कोई बुराई वाली बात। इसका मतलब n2 और n4 का मैग्नीट्यूड बराबर है। सोच के देखा, अगर n2 और n4 का मैग्नीट्यूड बराबर है और अंडर रूट ऑफ n2 स्क्वायर प्लस n1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ n2 स्क्वायर प्लस n1 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n3 स्क्वायर प्लस n4 स्क्वायर है, बोल यस और नो? तो जाहिर सी बात है कि अगर n2 का मैग्नीट्यूड n4 के बराबर है तो n1 का मैग्नीट्यूड n3 के बराबर है। yes, sir. n1 का मैग्नीट्यूड तो n1 का मैग्नीट्यूड अगर n3 के बराबर है, n1 बराबर n3 यानी कि n1 और n3 हो गया 40। yes, sir. अरे कितना हो गया? 40। इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। अब बचा n2 और n4 का मैग्नीट्यूड निकालना, वो देखो अपन टॉप से निकाल लेते हैं। कहां से निकाल लेते हैं? मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, आपको बहुत क्लैरिटी से समझ में आएगा। सोच के देखो आप, इसके बाद नेट और जीरो करो, n3 का टॉर्क n4 का टॉर्क n1 का टॉर्क सोच लो। हाँ ना बोल। yes, mg का टॉर्क 80 इंटू डेढ़ बाय दो। अरे ऐसे लोग तो आर पर बनेगी तो यही होगा। 80 इंटू डेढ़ बाय, मैंने कहा बोला है तो टीचर भी बोल दिया ना। अस्सी इंटू डेढ़ बाई दो है, तो वैसे कट जाएगा ना वो सब, तो फीट में क्यों चेंज करेंगे? उधर भी मीटर में कन्वर्ट करो, इधर भी मीटर में कन्वर्ट करो, तो सब कटते जाएगा। अब 80 इंटू दो का टॉर्क किधर है? अंदर। किधर है? 80 इंटू दो का टॉर्क किधर है? अंदर। क्या वो n2 का टॉर्क को बैलेंस करना? अब देख n2 का टॉर्क, ध्यान देख n2 का टॉर्क अगर अपन इस पे देखें तो n2 का टॉर्क किधर है? बाहर। और 80 का किधर था? मतलब अपन n2 की डायरेक्शन सही ली। यस सर। अपन n2 की डायरेक्शन सही ली, मतलब n2 इधर ही होगा और n4 इधर होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब n2 * ये दूरी कितनी है? ये है 6, ये 1, ये 1 बचा 4, क्या ये 2? यस सर। ये 2 है ना? यस सर। ये 1 1 ये टोटल 6, ये कितना बचा? 4। 4 का आधा कितना? 2। तो कितना हुआ? n2 * 2 इसके बोर्ड, सॉरी हाँ इसके बोर्ड ले रहे हैं, इसके बोर्ड, इसके बोर्ड लेते तो n2 इंटू 4 बस, तो आंसर आ गया था। अरे आया कि नहीं आया? n2 आ गया, n4 आ गया, n1 आ गया, n3 आ गया, जो पूछा वो सब आ गया, कोई बुराई वाली बात नहीं है। मारे प्राण बगैर हूँ। हाँ ना बोल। दोनों बहनों में आज की लड़ाई चल रही है, अलग अलग बैठ रही हूँ, क्या बात है? 45 ईमानदारी से काम करा है सबने? 45 डाउट है? ओके तो यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ एल एल रेस्ट अगेंस्ट ए स्मूथ रोलर एज शोन इन द फिगर, फाइंड द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द ग्राउंड एंड द लोअर एंड इफ द मिनिमम एंगल दैट द एंगल रोड कैन मेक विद द हॉरिजॉन्टल इज थीटा। ध्यान सुनना, उस एक्चुअली ऐसे तुम्हें ना एनएलएम में बताया होगा सबने कि नॉर्मल कैसे होता है, ऐसे और यहाँ पे ऐसे, ये n1 मान लो, ये n2, ये एंगल थीटा, यहाँ पे म्यू कोई उभराई नहीं है, तो टॉर्क बैलेंस करना। ध्यान समझ अच्छे से, पहले आप ध्यान, थीटा का दिया हुआ है क्या कुछ? अच्छा थीटा के लिए थीटा ही दी हुई है। अगर आप ध्यान दें तो सर लेंथ कितनी दी हुई है? कुछ दिया हुआ है क्या? टोटल लेंथ कितनी दी हुई है? एल। टोटल लेंथ दी हुई है, कितना दिया हुआ है? एच। बोलो क्लियर है? अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये टोटल लेंथ एल है, तो यहाँ से एल बाई टू, यहाँ से टू में आपका एमजी लग रहा है, कोई बुराई वाली बात नहीं है, जो बोला चमका। ध्यान देखो तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो n2 cos थीटा plus n1 equals to mg, देखना मैं कोई गलती नहीं करूं, n2 cos थीटा plus n1 equals to mg, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी? एक फ्रिक्शन इधर लग रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन इधर लग रहा है तो लिखा गया n2 sin थीटा equals to फ्रिक्शन, n2 sin थीटा equals to फ्रिक्शन, और क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू ले जानी होगी इसलिए फ्रिक्शन को ले जाएंगे म्यू n1, म्यू एन वन, म्यू एम जी नहीं, म्यू एन वन,
म्यू एन वन भी लिख दिया, हालांकि ये फ्रिक्शन स्टैटिक है पर हमें लिमिटिंग वैल्यू ले जानी है। क्या ले जानी है? खैर वो अभी अपन निकाल लेंगे, इतना फ्रिक्शन चाहिए जो चाहिए वो मैक्सिमम से कम होना चाहिए, तो पहले फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। तीसरी इक्वेशन का क्या आएगी? टॉर्क बैलेंस। किसके अबाउट? इसके अबाउट कर लो, कोई बुराई नहीं है। एन1 का टॉर्क जीरो, एफ का टॉर्क जीरो, सोच लो। यस सर। अच्छा ध्यान दो, तो एन2 का टॉर्क एच सेक थीटा इनटू एन2 बाहर, ये एच है ना, तो एच कोसेक थीटा। अरे एन2 इनटू एच कोसेक थीटा तो क्या बाहर, और mg का टॉर अंदर, और mg की ये दूरी l/2 है तो ये l/2 cos थीटा, मुझे लगा तुम्हें आया, तो देखना मैं कोई गड़बड़ नहीं करूं। mg l/2 cos थीटा, mg l/2 cos थीटा इक्वल्स टू n2 into h cosec थीटा, मतलब h/sin थीटा, पहले तो जो बोला चमका। अब यहां से n2 निकाल लो, n2 निकाल के यार रख लो, फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई, इतना फ्रिक्शन चाहिए जो चाहिए वो मैक्सिमम से कम होना चाहिए। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ, जो चाहिए वो मैक्सिमम से। हाँ भाई उतार लिया गया 46, 47, 46, 47, कोई दिक्कत नहीं है। 48, सोच लो। 48, मुझे लगा नहीं तुमने काम करा है। 48, 48, 49, 49, भाई साहब 49, सोच लो। प्रूव कर लिया। हाँ हालांकि बहुत टफ नहीं है, बट देखने में डर लगता है कि वो रिड्यूस मास पता नहीं क्या आ गया, पर ढंग से करोगे तो कोई तकलीफ नहीं। अलग अलग एंगुलर मोमेंटम लिखो, आई वन ओमेगा वन प्लस आई टू ओमेगा टू, फिर उसको इक्वेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 49 हो गया, 50, 50, 50, 50, 50, 50 डाउट है। और डंबल, डंबल समझते हो? कंसिस्ट ऑफ अ टू अंडिकल स्मॉल बॉल्स ऑफ मास हाफ केजी ईच कनेक्टेड टू द एंड्स ऑफ अ 50 सेंटीमीटर लाइट रॉड, द डंबल इज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एट द एंगल्स जितना एन इंपल्सिव फोर्स, इंपल्स मैंने अभी पढ़ाया नहीं, अभी पढ़ा दूंगा, हो जाएगा डोंट वरी, आज ही पढ़ाना है एंगुलर इंपल्स, बड़ा दूंगा चिंता करो। इंपल्स पढ़ा दिया तुमको? इंपल्स, इंपल्स ठीक है, खत्म हो गया, ठीक है, सही सीक्वेंस चल रही, उधर हो गया ना, इंपल्स तक पहुंच गए। कोलिजन चैप्टर खत्म हो गया ना, ठीक है। अब दिक्कत ये है क्योंकि अब जैसे आज के लेक्चर में मुझे वो ही लाना है, रोड टकरा, रोड पे पार्टिकल टकराऊंगा तो मुझे कोलिजन की जरूरत है। चलो आ जाओ, 51 हो गया, अच्छा यहीं तक दिया, चलो आ जाओ पढ़ते हैं फिर।